हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। घूमने के लिए चलेंगे मैं और अजय। हम लोग जाएंगे त्रिपाली सैंड, जो कि थली सैंड में पड़ता है, वहां पे रहते हैं अविनाश और दीपक। और अभी मैं पैदल लगा हुआ हूं क्योंकि अजय अभी आ रहा है पाटो से, यहां से कम 25 किलोमीटर दूर है, तो वहां से वो बाइक लेके आ रहा है। तो जब तक वो आता है तब तक मैं थोड़ा बहुत पैदल यहां से, तो मैं रहता हूं उफरैखाल में और जगतपुरी की ओर जो रोड जाती है उस रोड पे मैं अभी चल रहा हूँ पैदल पैदल। ये आ गया अजय अभी उफरैखाल। स्वागत है आपका उफरैखाल में। ये आ गया जगतपुरी, यहाँ से नीचे तो भूमि जा रहे हैं भूंगीधार, नीचे यहाँ से भूंगीधार। अभी हम पहुंच गए मासो में, और मासो में पड़ता है सपना का स्कूल। लाल चावल के लिए फेमस है। कहाँ है स्कूल, कहाँ है उसका, वो सामने ठीक है इंटर कॉलेज है नीचे। तो ये नीचे है इंटर कॉलेज और ऊपर की तरफ है प्राइमरी। छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है इंटर कॉलेज के ऊपर। यहाँ के खेत आप देख सकते हैं बिल्कुल भावर की तरह लग रहे हैं। लाल चावल होता है हमारे यहाँ भी, होता था पहले यार लाल चावल ना। यहाँ से ले जाएंगे सब। ये है भैया मासो, ये पूरा यहाँ से मासो ही है शायद, आगे से शुरू हो गया था और यहाँ भी ये पूरा मासो ही चल रहा है। तो यहाँ से वहाँ पैदल जाती हो क्या? और सपना बोस क्या हाल है? ये पीठ छेड़ वाली रोड तेरी भाई साहब, गिरते गिरते बच गए। अभी ये हो रही है ऑफ रोडिंग। पहुंचने वाले हैं पीठ छेड़ में। बहुत टाइम भी नहीं लगती है पीठ छेड़ सिंगड़ वाली। ये आ गया है पीठ छेड़। यहाँ के आलू बड़े फेमस है, साथ साथ में धूप भी आ गई है। पीठ चंद्र सिंह गढ़वाली द्वार, यहाँ से ऊपर बिन शर्मा देव के लिए जाते हैं। यहाँ से इस वाली रोड पे गए थे तुम उस दिन? बिन शर्मा देव पैदल रास्ता है रोड, ये पैदल रास्ता है बिन शर्मा देव के लिए। यहाँ पर हेलीपैड भी ऊपर नहीं यार, हेलीपैड है ऊपर। चल थली छंड कितना है सर? तो अभी हमने कर लिया थैली सैंड क्रॉस और अभी इन जंगलों के बीच में हम त्रिपाली सैंड के लिए एक रास्ता करता है यहाँ से नीचे से, ये सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ऊपर के लिए हम निकल पड़े हैं और बस थोड़ा सा यहाँ से बचा हुआ है त्रिपाली सैंड। 100 किलोमीटर का सफर लगभग हो जाएगा, उससे ज्यादा ही। ये बरसाड़ के जंगलों में हम भटक रहे हैं अभी धीरे धीरे करके, बहुत ज्यादा ठंडा है, कड़ाके की ठंडी लग रही है ना। हिमालय की हाइट पे हम पहुंच गए ऊपर। अब हम आ गए पहाड़ के दूसरी ओर,
बादल की वजह से कुछ नहीं दिख रहा। आने वाले जंगल से बाहर निकलते ही रोड काफी चौड़ी हुई है और अब हमें यहाँ पे गाय वगैरह लोग भी दिखने लगे हैं। तो हम पहुंचने वाले हैं सलोन में और यहाँ से आप देख सकते हैं अभी भी इन गांवों में थैलीसैंड के जो ये गांव हैं इनमें अभी भी खेती बाड़ी अभी भी कंटिन्यू जारी है, जबकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं पौड़ी के जहां पर खेती वगैरह बंद हो गई है। तो आपको मैं बता दूं जो नीचे गांव दिख रहा है सलोन, यहाँ पर स्कूल है अविनाश का और ये रहता है त्रिपालीसैंड में। यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर है और वहां से ये अप डाउन करता है डेली का। ये जो रोड है ये एकदम टॉप में है, पहाड़ के बिल्कुल ऊपर है, तो यहाँ से काफी अच्छा व्यू आ रहा है। अब तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं और ये सामने जो गांव है ये है किरसाल गांव, सूरज का स्कूल है यहाँ। लगभग 110 किलोमीटर का सफर पूरा होने वाला है। बघेली गांव में हम पहुंच गए हैं। बघेली फाइनली हम पहुंचने वाले हैं त्रिपालीसैंड और यहां रहते हैं दीपक और अविनाश। ये आ गया जी त्रिपालीसैंड। हाँ त्रिपालीसैंड आओ, कहाँ पे आना है? आओ बोल, कहाँ पे आऊँ? यहाँ पे पुल, पुल से पहले उनका तो बहुत बड़ा मार्केट है यार। हेलो, अरे पुल, हाँ पुल से, पुल से पहले आना क्या? हाँ मार्केट वाला जो पुल वाला बैंड है। तो ये रास्ता जा रहा है दीपक और अविनाश के रूम के लिए। हालत खराब हो गई है 100 किलोमीटर से ऊपर सफर करके। ये रहा सामने वाला घर। हाथ हिलाओ हाथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? हेलो क्या हाल है? बढ़िया। पंकज का पहुंचा बीरोकाल, बीरोकाल भाई बहुत गोरा हो गया यार तू पंकु। और भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया यार। और अंकित क्या हाल है? और महाराजा थाली, महाराजा थाली। और ये टीला नरेश, टीला नरेश महाराजा के लिए महाराजा थाली। और ये कौन सा नरेश है? नरेश नहीं है भाई। नरेश नहीं है, बस एक ही है टीला नरेश। ये है कमरे के बाहर का व्यू। इधर साइड से मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट का व्यू। ये है त्रिपालीसैंड मार्केट। अभी हम घूमने जा रहे हैं उस वाली रोड पे, ये सामने वाली जो रोड है। तो अभी हम आए हैं घूमने के लिए और इधर काफी ठंडा है और ये है चाय का स्टॉप, तो यहाँ पे हम चाय पियेंगे। ये जगह है सौठी जहाँ पे चाय की दुकान है और इधर ऊपर ये मछली पालन वगैरह हो रखा है उधर, और सामने से ये गाय वगैरह चल के आ रही है ऊपर से, तो एकदम हाइट पे है आप देख सकते हैं वो सामने वाली पहाड़ी। तो चाय का ऑर्डर दे दिया है, इसके बाद हम निकलेंगे थोड़ा सा ऊपर, आगे जाएंगे अविनाश इसके बाद। अबे क्यों छुप रहा है? तो दो लोग स्कूटी सीखने वाले भी हैं, दीपक और पंकज। टीला नरेश बोल, बोल एक मिनट। तो टीला
टीला नरेश स्कूटी सीखने के लिए तैयार। उतर जा भाई उतर जा। टीला नरेश स्कूटी सीखने के लिए तैयार और उसके साथ बैठे हुए हैं त्रिपाली सैंड के राजा दीपक बहुत बड़ा है और अंकित उनको स्कूटी सिखाते हुए गाइड उनका। चल ले जा सीधा देख सीधा सीधा देख सीधा पैर ऊपर रख शाबाश 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 दीपक। अभी मैं हूँ सौठी गांव में जो कि थैलीसैंड ब्लॉक में पड़ता है पौड़ी गढ़वाल के। तो मेरे साथ भैया हैं वीरेंद्र सिंह रावत जी नेगी वीरेंद्र सिंह नेगी जी और इनका यहाँ पे मत्स्य पालन वाला है जिसको मैंने अभी आगे दिखाऊंगा आपको। तो इन्होंने तीन तालाब बना रखे हैं, दो तो ऊपर हैं, इधर से मैं आपको दिखाता हूं। दो तालाब यहाँ पे हैं और एक नीचे है, एक ये वाला तालाब है नीचे यहाँ पे हमारे साथ के जा रखे हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनको ये कहाँ से मिला और कैसे इन्होंने ये किया, पूछ लेते हैं इनसे एक बार। तो भैया आपने कैसे कैसे किया और कहाँ से या विभाग ने आपको हेल्प की या फिर? जी हाँ, ये हमने जो भी बना रखे हैं ये वाइफ लोग है, नए टेक्नोलॉजी आ रखी है और बकायदा यहाँ पे जो बड़ा कौन सी टेक्नोलॉजी आ रखी है एक बार दोबारा? नई टेक्नोलॉजी है। अच्छा अच्छा, ये गवर्नमेंट नया तरीका है कुल मिलाकर। अच्छा अच्छा, तो ये आर के तो ये भी मत्स्य विभाग के थ्रू बनाया गया और ये जो बड़ा टैंक है 200 वर्ग मीटर का ये भी मत्स्य विभाग का है। हाँ, तो मतलब हमें लगभग कुछ नहीं लगता इसमें, थोड़ा बहुत लगता है बाकी हमें चारा दाना। तो आपका जो खर्चा होता है वो किस चीज में आता है इसमें? बस इसमें क्या है कुछ मेंटेनेंस होते जो पर्सनल करने पड़ते हैं। जैसे कि बीज अब विभाग भी देता है हमें, सीड और फीड विभाग भी देता है मगर उतना पूर्ति नहीं हो पाती तो फिर हमें खुद। आप एक को बता रहे थे कि केवल फर्श का खर्चा करना पड़ता है बाकी गवर्नमेंट करती है। ये वाइफ लोग है तो हमारे केवल अपना फर्श का खर्चा है। ये वाले में जो टीन वाला है, टीन वाला है जो ये नई है, ये जो नई है इसमें केवल फर्श का खर्चा है बाकी गवर्नमेंट करती है, टोटल गवर्नमेंट लगा के जाती है। और जो मोटर ऊपर लगी हुई है वो वाली विभाग का ही है, हमारा कुछ नहीं है। ठीक, तो आपका इससे निकल जाता है कितनी मच्छियां निकल जाती है एक दिन में? एक दिन में नहीं, हमारा सालाना एस्टीमेट होती है सालाना मतलब डबल और 1.5-2 लाख। चलो बहुत बढ़िया है भैया, क्योंकि ये गांव बहुत हाइट पे है और यहाँ पे मतलब 16-17 से है लगभग 7-8 साल से आप ये मछली पालन कर रहे हैं यहाँ पे। और मछली पालन का नाम क्या बताया था आपने पूरा एक बार बताएंगे? मछली पालन का नाम है सौरभ फिश पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सौरभ फिश पॉइंट के नाम से। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ पे घर की और अपने ऑर्गेनिक सब्जियां भी मिलती है और मछली भी हमारे ऑर्गेनिक है, मतलब हमारा फीड ही खिलाया जाता है। ठीक ठीक, मतलब हम फालतू वो नहीं करते, जो भी ऑर्गेनिक है सब्जियों का काम है, पोलियो होता है, सब कुछ है हमारा। नमस्कार, आइएगा कभी हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत। ठीक, हम तो कभी कभी आएंगे या नीचे त्रिपाली श्रेणी में आएंगे तो तभी मिलेंगे आप। वीरेंद्र सिंह भैया और इन्होंने यहाँ पे गांव में बहुत अच्छा यहाँ पे स्वरोजगार अपना रखा है और लगभग 2017 से जी 2017 से ये लोग मछली पालन कर रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं और काफी हाइट पे गांव है। नीचे त्रिपाली श्रेणी है, नीचे घाटी पे और ऊपर हाइट पे गांव है। हम अभी इधर से ही आए थे, ये कपरोली से यहाँ से दिखाएंगे और। ठीक, तो ये इनका यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे इनका छोटा सा होटल भी है, साथ साथ में मछली पालन भी करते हैं। और यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो तालाब है ये काफी बड़ा तालाब है और इनका कहना है कि एक दिन में आज की जो इनकी सेल है 15 किलो के लगभग आपने आज मछली बेची है। आज की जो सेल है वो 15 किलो की लगभग की सेल है। ठीक ठीक ठीक, तो लगभग 15 किलो या 20 किलो तक एक दिन का इनका एवरेज का सेल है और काफी अच्छी बात है। तो ठीक है भैया, फिर मिलते हैं आपसे कभी, बाद में कभी कभी हम भी लेके जाएंगे तब नीचे आएंगे। जरूर, वेलकम, स्वागत है। मछली दिखा दो एक बार, मछली दिखा देते हैं आपको। तो ये मछली है जो फ्रेश है, अभी अभी इन्होंने निकाल रखी है, अभी जिंदा ही है शायद। जिंदा ही है, लोग जिंदा ही है। ये मछली है, कौन सी मछली है भैया? ये है प्यासी, प्यासी मछली। हाँ, वैसे पंगास बोला गया है। पंगास, ठीक ठीक। थैंक यू भैया, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू भैया। तो भैया की इस वीडियो को या भैया का जो ये स्वरोजगार है इसको आपको शेयर करना है, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पे रोजगार बहुत टफ है मिलना। तो स्वरोजगार यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया है, काफी दुर्गम क्षेत्र माना जाता है ये वाला, है ना? तो काफी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भैया। देखिए दोस्तों,
इधर देखो भाई साहब, चूक मानी। हेलो दाणी नमस्कार, क्या हाल है? मसाला बिल्कुल तैयार है और ये साथ में पपीता भी। इधर कुछ उबल भी रहा है, अंडे उबल रहे हैं, पनीर पनीर है शायद इसमें, पनीर। इधर बन रही है मच्छी जबरदस्त। ये हमारे शेफ, आइए सर आइए, मच्छी पूरे पूरे डाइट के शेफ आइए, ये आपका फेमस देसी घी यूज करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट डे अब हम लोग जा रहे हैं, वापसी में हैं और अभी हम जा रहे हैं पैठाणी जहां अंकित का रूम है। और अभी मैं एक मार्केट में पहुंचा हूं जिसका नाम मैं आपको बताता हूं एक बार। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां पे जो मार्केट है वो है मजरा मार्केट। इसके ठीक पीछे जहाँ से हम आए थे वहाँ पर एक महाविद्यालय भी है इसी के नाम से, और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है सुनार गाँव, ग्राम सभा सुनार गाँव है और ये गाँव है मजरा गाँव। तो अभी हम जा रहे हैं पैठाणी की ओर, त्रिपाली शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो ये है मजरा महादेव मंदिर, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे एक गांव था या एक मार्केट था मजरा महादेव। तो ये मंदिर है यहाँ का, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर मंदिर है। और ये हमारी टोली, तो अभी हमारा कारवा यहाँ पे रुका हुआ है। और यहाँ पे इसलिए रुका है क्योंकि ये सामने है पैलार गांव और इस गांव में ही ये है अंकित का स्कूल, पैलार स्कूल, जीपीएस पैलार। यहाँ से कितना दूर है अभी पैठाणी? 7-8 किलोमीटर। ऊपर कौन सा गांव है वो वाला है? दरमोली, वो सामने वाला ऊपर वाला फाइनली हम पहुंच चुके हैं पैठाणी में। और यहाँ से पैठाणी के अपोजिट साइड से मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ से देखिएगा क्योंकि पेड़ वगैरह ज़्यादा हैं। ये है पैठाणी, बाकी चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ठीक ठाक दिख रहा है। और ये नदी के किनारे बसा हुआ है, दो नदियों का संगम भी है यहाँ पे। इधर रहता है अंकित बॉश, ये है अंकित का रूम। सभी दोस्तों को टाटा बाय बाय बोलते हुए अब हम निकल पड़े हैं वापसी में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।